Hi everyone, this is Gaurav from ClassGo Education online YouTube learning channel, and today I will be discussing about the demand side management. It is one of the crucial topic to understand the power sector. Now, before I move to this particular presentation, I would like to tell you that topics covered in this presentation would be, firstly, we will see power sector of India. We will take some data. What is the installed capacity? What is the capacity for thermal, hydro, nuclear, renewable energy? Then we will move to the initiative taken by the government, policy making with respect to Electricity Act 2003. Further, I will be explaining you about the DSM, okay, how DSM came into the force and what are actually the load curve management techniques. Then I will let you know and explain the DSM technique by an example of agricultural DSM. Further, we will be discussing about the institutional barriers at national and state level. And in the last, I will be telling you about the benefits with respect to service providers, with respect to utility, and with respect to the consumers. Thick? Now, to start with the presentation, basically DSM ki zarurat kyun padi? Ye janna bahut zaruri hai. Thick? DSM demand side management hai. ठीक, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ आपको, फिर मैं इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पे जाऊँगा. देखिए क्या है कि अगर आप सपोज करिए यूटिलिटी है कोई, अगर यूटिलिटी हम सपोज करते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो यूटिलिटी है वो है हमारी UPPCL. ठीक, अब इस यूटिलिटी का काम क्या है, जो भी इसके कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो सकते हैं, कॉमर्शियल हो सकते हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर, ठीक है, ये इसके कंज्यूमर्स हैं. ठीक, अब कंज्यूमर की जो डिमांड पैटर्न है वो समय के साथ क्या होती है, चेंज होती है. सुबह कुछ और होगी, आफ्टरनून में कुछ और होगी, इवनिंग में कुछ और होगी, नाइट में कुछ और होगी, फेस्टिवल्स होंगे तब कुछ और होगी, वीकेंड्स होंगे तब कुछ और होगी. ठीक है, तो ये जो डिमांड है, जो लोड कर्व है, ये क्या है, बिल्कुल अलग है. ठीक, और ये चेंज होता रहता है. अब क्या है, यूटिलिटी के साथ एक कंस्ट्रेंट है कि जो UPPCL है वो एक फोरकास्टिंग कर लेती है कि हाँ इतना डिमांड होगा. ठीक है, अब क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है हमारा, कंज्यूमर के पास क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर आवर्स में ऐसा होता है कि डिमांड की जो होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसको बोलते हैं पीक डिमांड. जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है और यूटिलिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर डिमांड को कैसे मैनेज करें, तो यूटिलिटी के पास दो ऑप्शन होते हैं. ठीक, या तो वो लोड शेडिंग करे, बिजली काटे, और या तो वो क्या करे, पावर जो चाहिए उसको वो पावर मार्केट से या फिर प्राइवेट प्लेयर से या प्राइवेट पावर प्लांट से, ठीक, या फिर कोई पावर एक्सचेंज हो उससे ले. ठीक, बट हमारे यहाँ अगर सपोज करते हैं UPPCL, तो UPPCL में क्या है, काफ़ी डेट हो चुका है. ठीक है, और UPPCL क्या होता है कि जैसे जैसे पावर डिमांड बढ़ती जाती है, पीक डिमांड बढ़ती जाती है, तो एक कंस्ट्रेंट है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतने ही अमाउंट ऑफ पावर किसी एक्सचेंज से या किसी पावर मार्केट से ले सकते हैं. अगर आप नहीं ले पाएंगे तो फिर आपको लोड शेडिंग करनी होगी. ठीक, बट अगर यूटिलिटी पावर मार्केट से पावर लेती है तो सीधी सी बात है उसको कुछ चार्जेस बियरअप करने पड़ेंगे, और वो चार्जेस क्या कर देता है, कंज्यूमर के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर देता है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ. ठीक है, अभी आपने जनवरी 2020 में न्यूज़ सुनी होगी कि 66 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिया गया रेट, 66 पैसे पर यूनिट रेट बढ़ा दिया गया. तो इस तरीके से पावर मैनेजमेंट होता है. ठीक, बट डिमांड साइड मैनेजमेंट जो एक टेक्निक है, ये IT इनेबल्ड टेक्निक है, डिजिटल सॉर्ट ऑफ टेक्निक है, जहाँ पे लोड पैटर्न जो है हमारा, जो डिमांड पैटर्न है, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं. ठीक, किस तरीके से क्लिपिंग होनी है, कहाँ पे वैली फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे एक्सेस लोड है, किस तरीके से पीक आर के जो लोड हैं उनको ऑफ पीक आवर्स के लोड में शिफ्ट करना है, इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, लोड कर्व को समझना है, लोड शेपिंग करनी है. तो ये सारी चीज़ें डिमांड साइड मैनेजमेंट में आती हैं. ठीक है, डिमांड साइड मैनेजमेंट में आती है, और इन्हीं सब चीज़ों को हमको समझना है. अब किसी भी, कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, तो उस कंज्यूमर के पास मोटर्स होंगी, उसके पास लाइटिंग होगी, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, चाहे डोमेस्टिक हो या कॉमर्शियल हो, उसके पास इंडक्शन मोटर्स होंगी. ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्रीकल्चरल हमारा लोड है, वहाँ पे जो पंप्स लगे हुए हैं बहुत साल पुराने, 10-10 साल पुराने पंप्स हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी इफिशियंट पंप्स नहीं है. ठीक,
वो एनर्जी इफिशियंट पंप्स नहीं है। तो उनमें क्या प्रॉब्लम है, जब वो एनर्जी इफिशियंट नहीं होंगे तो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की रेटिंग के जो प्रेजेंटली पंप्स आ रहे हैं उन पंप्स को यूज़ करना है, एनर्जी इफिशियंट टेक्निक्स को यूज़ करना है। तो इसका मतलब इस तरीके से डिमांड को बेसिकली क्या किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है, कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स बेसिकली डिमांड साइड मैनेजमेंट में आती हैं, जहाँ पे कंज्यूमर एंड पे जो लोड कर्व्स हैं उनमें किस तरीके से पीक आवर्स के लोड को शिफ्ट करा जाता है ऑफ पीक आवर्स में, स्टडी होती है आईटी इनेबल्ड सर्विस के थ्रू, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर मीटरिंग के थ्रू से, रिकॉर्डिंग होती है डेटा की, और इन सारी टेक्निक्स को क्लस्टर फॉर्म में कवर अप करके डिमांड साइड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक। तो ये बेसिक ओवरव्यू है डिमांड साइड मैनेजमेंट का। अब हम लोग समझते हैं एक्चुअली क्या है पावर सेक्टर अपने यहाँ। तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 1947 में बहुत लेस अमाउंट ऑफ जनरेटिंग कैपेसिटी थी, दैट इज़ अराउंड 1300 मेगावाट के आसपास जनरेटिंग कैपेसिटी थी 1960 से 1970s में, ठीक। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के बारे में बात होने लगी, ठीक है। उसके बाद टैरिफ के बारे में बात हुई, रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात हुई, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया, जहाँ पे एक तरीके का बेंचमार्क सेट किया गया, रेगुलेशन फ्रेमवर्क सेट किया गया, ठीक। उन सारी चीज़ों को अभी डिस्कस करेंगे। फिर हमारा वन नेशन वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट आया 2014 में। उसके बाद 2016 में अगर आप देखेंगे तो पावर फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट आया, रिन्यूएबल एनर्जी का इनकॉर्पोरेशन समय के साथ बढ़ता गया। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स आए, ठीक। और ये पूरा पावर सेक्टर जो है हमारा इंडिया का, ये पावर सेक्टर बेसिकली एक डीरेगुलेशन प्रोसेस में आ गया, ठीक है। तो आज का जो पावर सेक्टर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सरप्लस ऑफ पावर भी है, ठीक है। बट ओनली थिंग इज दिस कि हमें उसको मैनेज करना है प्रॉपरली, हमें जो पावर पिलफरेज हैं, पावर थेफ्ट है, इन इश्यूज़ को लुक आफ्टर करना है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहली जो स्लाइड है पावर सेक्टर एट ग्लांस, इसको समझते हैं। इस स्लाइड में बेसिकली ये बताया गया है कि जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ठीक, ये फरवरी का डेटा है। और इस डेटा के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 367,281 मेगावाट, जिसमें सेंट्रल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 25.2, स्टेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 28.0 और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 46.8%। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी रोल है। अब प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात हुई, तो जब मैं रीस्ट्रक्चरिंग डीरेगुलेशन के बारे में बात करता हूँ तो सीधी सी बात है कंपटीशन के बारे में बात करता हूँ। मल्टीपल जनरेटर कंपनीज हैं, तो इसका मतलब जेनकोस के बीच का कॉम्पिटिशन है, किसको पावर बेचनी है, ठीक है, किस अमाउंट में बेचनी है, क्या टैरिफ प्लान के अकॉर्डिंगली बेचनी है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज में भी कॉम्पिटिशन है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अब देखते हैं फ्यूल का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो थर्मल का अगर टोटल कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो दैट इज 62.8%, जिसमें से कोल का कंट्रीब्यूशन 54.2 है, लिग्नाइट का 1.79 के आसपास है, गैस का 6.9 है, डीजल का 0.1 है, हाइड्रो का अगर देखा जाए तो 12.4% का कंट्रीब्यूशन है, ठीक। और न्यूक्लियर का कंट्रीब्यूशन 1.9% है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो कि 23.5% है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली बायोमास आता है इसमें, जो छोटे हाइड्रो प्लांट्स हैं वो आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के जो पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं रिसाइकिलिंग के थ्रू वो आते हैं, सोलर आता है, विंड आता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बहुत है, क्योंकि हमारे पास सस्टेनेबल गोल्स है गवर्नमेंट के ऊपर, जिनके लिए ये बोला गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का मैकेनिज्म होना चाहिए, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस अलग अलग स्टेट्स को दिए गए हुए हैं, और साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कार्बन इमिशन को घटाना, कार्बन फुटप्रिंट जो है उनको घटाना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी का इनकॉर्पोरेशन बहुत है, और गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। अगर आप देखेंगे स्टैंड अलोन सोलर पीवीज के ऊपर काम हो रहा है, नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी इम्फोसिस है, ठीक। अब समझते हैं पॉलिसी और इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या लिया इन 10 से 20 सालों में, जो आज आप पावर सेक्टर देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन जो है हमारा, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है।
इस एक्ट में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो कॉम्पिटिशन बिटवीन जनरेटिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज है, ठीक, प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स जो हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए, कंज्यूमर का क्या इंटरेस्ट है, कंज्यूमर के पास पावर, परचेज की चॉइसेस, इन सब के बारे में डिस्कस है, ठीक है, रेगुलेशंस कैसे बनाने हैं, ठीक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, ठीक, नेशनल इलेक्ट्रिकल पॉलिसी क्या है, ओपन एक्सेस इन ट्रांसमिशन, फेज्ड ओपन एक्सेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, मैंडेटरी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन होने चाहिए, लाइसेंस फ्री जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पावर ट्रेडिंग किस तरीके से होनी है, मैंडेटरी मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है, और स्ट्रिंजेंट पेनाल्टी है जहाँ पे पावर पिलफरेज हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप इसको पढ़ सकते हो, मैं आपको, अगर आप डिमांड करोगे तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, अदरवाइज आप गूगल करके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की PDF डाउनलोड। आइए समझते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट के बारे में। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से आया, 1973 में यूएसए को रियलाइज़ हुआ कि डिमांड साइड मैनेजमेंट को उसको इनकॉर्पोरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में, ठीक। अब यूएसए में ऐसा क्या हुआ, देखिए 1973 में यूएसए बेसिकली फेस कर रहा था एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस। कारण ये था कि यूएसए ने इसराइल को मदद कर दी। अब हुआ क्या, अरब नेशन और इसराइल के बीच में टेरिटोरियल एक्सपेंशन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा था, और 1973 में अरब नेशन ने सरप्राइज अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, ठीक, सीज फायर वायलेशन। अरब नेशन गोलान हाइट्स तक पहुंच गए, वहां पे डिस्प्यूट हुआ, और इस डिस्प्यूट में अगर आप देखेंगे तो अरब नेशन के साथ जो ये पूरी फ्रेटर्निटी है अरब नेशंस में, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया, लीबिया, तुनिशिया, अब इतने जो अरब नेशन का इतना ही बड़ी फ्रेटर्निटी है, और इन्होंने इसराइल पे अटैक किया और इसराइल की मदद कर दी यूएसए ने। अब आपको क्या लगता होगा कि इसमें कौन जीता होगा, इसमें जीत हो गई इसराइल की, और जब इसराइल की जीत हो गई तो अरब नेशंस यूएसए से बहुत नाराज़ हो गए, और डिसीज़न ये लिया गया कि कोई भी ऑयल सप्लाई यूनाइटेड स्टेट को नहीं होगी, और ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, एम्बार्गो का मतलब बैन लगा दिया, और जैसे ही बैन लगा यूनाइटेड स्टेट पूरी तरीके से तैयार नहीं था, और वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आ गई, और डिमांड साइड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का रियलाइजेशन और कॉन्सेप्चुलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में वहाँ से स्टार्ट हो गया। वहाँ से वहाँ के जो भी पर्सोनल्स थे उनको रियलाइज़ हुआ कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाने होंगे जिससे इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ एनर्जी डिमांड को मैनेज कर सके और मॉडिफाई कर सके इलेक्ट्रिकल लोड पैटर्न्स को, कर्व्स को, और कुछ इस तरीके के इंसेंटिव्स कंज्यूमर को दिए जा सकें जिससे कंज्यूमर को भी रियलाइज़ हो कि किस तरीके से एनर्जी को इफ़िशेंटली यूज़ करना है। तो बेसिक ओवरव्यू क्या है डिमांड साइड मैनेजमेंट का, ये आप कुछ पॉइंट्स कवर अप करते हैं और जानते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पावर शॉर्टेज होती है तो बेसिकली क्या होता है। अगर देखिए पावर शॉर्टेज होती है तो सीधी सी बात है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग होगी, और कैप्टिव जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो होता क्या है कि डिमांड साइड मैनेजमेंट इसका एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन मैंने आपको बताया, यूटिलिटी क्या करेगी, यूटिलिटी या तो लोड शेडिंग करेगी, या तो यूटिलिटी पावर मार्केट से पावर खरीदेगी, या फिर कोई पब्लिक या प्राइवेट प्लांट जहाँ पे जनरेट हो रही होगी पावर वहाँ से पावर प्रोक्योर करेगी। तो ये यही हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक। पर डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या है, लोड पैटर्न्स को इस तरीके से मैनेज किया जाता है, इस तरीके से उनमें चेंजेस लाए जाते हैं जिससे क्या हो कि इफ़िशेंटली पावर को यूज़ किया जा सके, और जो पीक आवर लोड्स हैं उनको बेसिकली शिफ्ट किया जाए ऑफ पीक आवर्स में, ठीक। तो एक डिमांड साइड मैनेजमेंट एक लीस्ट कॉस्ट ऑप्शन है, और एक तरीके से रिलायबल और इफ़िशेंट एनर्जी सर्विस की तरीके से इन सिस्टम में जुड़ता है। एज अ इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग प्रोग्राम में इसको माना जाता है कि ये एक उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट है, ठीक। अब यूटिलिटी को साइमल्टेनियसली ये हेल्प भी करता है कि जब भी पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो तो उसको किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, और जो इन्वेस्टमेंट यूटिलिटी जनरेशन के ऊपर कर रही है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक। तो बेसिक ओवरव्यू डिमांड साइड मैनेजमेंट का ये है। दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे DSM can be achieved by higher pricing during peak hours, concessional rates during off peak hours, ठीक। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। DSM में क्या है, अगर higher price आप कर दीजिए जब आपका peak hours हो,
कंसेशनल रेट्स प्रोवाइड कर दीजिए जब आपके ऑफ पीक आवर्स हो। इसी तरीके से शिफ्टिंग कर सकते हैं, आप पीक डिमांड आवर्स को आप शिफ्ट कर दीजिए ऑफ पीक आवर्स में, ठीक। और इस तरीके के एफिशिएंट मशीनरी यूज़ करिए जिसमें क्या हो कि एक तरीके का एनर्जी मैनेजमेंट हो सके और ड्रास्टिकली जो कैपिटल नीड्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं पीक डिमांड का, भी यहाँ पे अगर आप 2019-20 का सिनेरियो देखेंगे तो पीक डिमांड वाले अगर कॉलम में देखेंगे तो सबसे लास्ट एंट्री है, अगर पीक डिमांड मेगावाट देखें तो ये अराउंड है 183,804 मेगावाट, ये पीक डिमांड है, ये 2019-20 की है। अगर इसको कंपेरेटिवली 2009-10 के डेटा से कंपेयर करेंगे, वहाँ पे अगर आप पीक डिमांड देखेंगे तो इट वॉज 119,166, ठीक। तो पीक डिमांड में इंक्रीज है, ठीक। बट अगर आप देखेंगे जो मीटिंग हो रही है यहाँ पे 2019-20 में, इसको बहुत आसानी से मेट कर लिया गया है, ठीक। और कितना हमारे पास डिफिसिट है, डिफिसिट इज ओनली दैट इज -1,271 मेगावाट। तो ये डिफिसिट है, ये पैटर्न है पीक डिमांड, और कितना मेट हो गया, कितना सरप्लस है, मैंने ईयरली इस डेटा को ले रखा है, ठीक है। और ये रिसेंट डेटा है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की साइट से ये डेटा लिया गया है। अब देखिए मॉडिफाइंग लोड कर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार ये बोल रहा हूँ कि लोड कर्व्स में किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए। तो अब देखिए क्या है, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, जो DSMs का पूरा सेगमेंट है इसमें लोड अगर पैटर्न देखा जाए तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर कॉमर्शियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, या डोमेस्टिक कंज्यूमर हो सकता है। और ऐसे कंज्यूमर्स के पास लाइटिंग होगा, रेफ्रिजरेशन होगा, HVAC होगा, को जनरेशन होगा, और मोटर ड्राइवन सिस्टम होगा। मोटर ड्राइवन सिस्टम बहुत क्रूशियल पार्ट है क्योंकि एनर्जी इफिशियंट मोटर्स होनी चाहिए जिसमें कंप्रेसर, फैंस, क्रेन, एलिवेटर्स, वाटर पंप्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ कंप्रेसर, फैंस, क्रेन, एलिवेटर, वाटर पंप्स। तो यहाँ पे क्या, एनर्जी इफिशियंट मोटर्स होनी चाहिए और उनकी इफिशियंट कपलिंग होनी चाहिए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हुए बेसिकली अगर DSM सेगमेंट में यहाँ पे इस मशीनरी को इम्प्रूव किया जा सके और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्टार रेटिंग वाली मशीन या IS स्टैंडर्ड की मशीन्स को यूज़ किया जाए तो काफ़ी हमें मदद मिल सकती है ओवरऑल लोड पैटर्न को मैनेज करने के लिए, ठीक। और इसी तरीके से आप देखिए ये जो मॉडिफाइंग लोड कर्व है इसमें आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बात की गई है। मैं दो एग्जाम्पल्स से आपको समझाता हूँ। सपोज करिए वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन क्या है, इस तरीके का लोड है जिसको आप सुबह भी चला सकते हैं, शाम को भी चला सकते हैं, रात में भी चला सकते हैं। बट अगर आपके को मालूम है कि ये पीक आर है, अब इस पीक आर में आप कोशिश करिए कि हम वॉशिंग मशीन को अवॉइड करें और इसको शिफ्ट कर दें नाइट टाइम पे जब ऑफ पीक आर्स हो। तो वॉशिंग मशीन की आप इस लोड की क्या कर रहे हैं, बेसिकली शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग एक टाइम फ्रेम के अंदर आपने शिफ्ट कर दिया, तो लोड मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पे ये जो कर्व्स हैं ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। फ्लेक्सिबल लोड शेप्स के बारे में बात करते हैं, लोड शिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं, पीक क्लिपिंग के बारे में बात करते हैं। अब पीक क्लिपिंग का बारे में, जैसे आप सपोज करिए आपको मालूम है कि आफ्टरनून में आप AC यूज़ करते हैं, अब उसी समय AC सब लोग यूज़ कर रहे होंगे अगर गर्मियों में, तो अगर देखा जाए तो पीक क्लिपिंग के समय अगर आपको कुछ जगहों पे ऐसा हो कि AC एक बार चलाया गया उसके बाद बंद कर दिया गया, या इस तरीके से कुछ पीक को क्लिप किया जा सके, तो कंज्यूमर को इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अवेयर होना चाहिए। और इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जहाँ पे लोड इंक्रीज लोड रिडक्शन में किस तरीके से हमारी शिफ्टिंग हो रही है उसको कंसिडर किया गया है। अब हम लोग का जो फोकस एरिया है वो हम समझते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में देखिए गवर्नमेंट ने दो इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, अगर आपको मालूम होगा पहला इनिशिएटिव है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज को प्रोवाइड किया जाए, जिसमें ये बात की गई है कि सिंगल पॉइंट कनेक्शन दिए जाएँ जहाँ से मोबाइल चार्ज हो सके, एक या दो LED जल सकें, फ़ैन चल सके, तो इसके इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, ठीक। अलग अलग तरीके के कैंपेनिंग प्रोवाइड की जाए, मीटरिंग के बारे में बात की जाए। इसी तरीके से दूसरी योजना है सहज बिजली हर घर योजना, जिसमें प्रधानमंत्री की ये जो योजना है इसमें भी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के बारे में हो, पंचायत लेवल पे इस तरीके का अवेयरनेस हो, मीटर्स इंस्टॉलेशन के बारे में बात हो, नंबर ऑफ LEDs कितनी चला सकते हैं, इस तरीके का अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए। तो इस तरीके की जो ये सहज बिजली हर घर योजना है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल रिमेनिंग अन इलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स तक पहुंच सके, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर डीएसएम, बिकॉज एग्रीकल्चर डीएसएम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 17% ऑफ द टोटल जीडीपी, और एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन. सो एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर. और आपको मालूम होना चाहिए कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बीच में साइन हुई है. इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो भी एग्रीकल्चर लोड्स हैं, बेसिकली जो लोड्स मैं बात कर रहा हूँ वो पंप सेट्स हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं की मशीनरी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्टार रेटिंग की मशीन्स होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं हो सकी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि मशीनें बहुत पुरानी होती है, 10-10 साल पुरानी होती है, रीवाइंडिंग की हुई मशीन्स होती हैं. तो ऐसी मशीन्स में पावर हमारा बहुत ज़्यादा बेसिकली डिसिपेट होता है, तो ऐसी मशीन्स को हमको ओवरकम करना है. इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास जो क्रॉप पैटर्न है वो इम्प्रूव होगा फार्मर का, और जो फार्मर की इनकम है वो भी डबल होगी. ठीक, इसी तरीके से आप अगर डिस्कस करना चाहते हो तो मैं म्यूनिसिपल डीएसएम के बारे में भी एक फर्दर वीडियो बना के उसमें बात कर सकता हूँ. ठीक, इंस्टीट्यूशनल बैरियर क्या होते हैं कि अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, इसमें आप नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये बैरियर्स हैं. प्रॉपरली अगर देखा जाए तो प्राइसिंग पॉलिसीज़ नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फिस्कल इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज को नहीं दिए जा रहे हैं जिससे कि डीएसएम में इन्वेस्टमेंट करें वो. इसी तरीके से वीक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जहाँ पे इंकरेजमेंट नहीं है रिसर्च और डेवलपमेंट की स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और नो टैक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स हो सके एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस की. तो ये सारी चीज़ों को काफ़ी इम्प्रूव करना है नेशनल और स्टेट लेवल पे, और इंसेंटिव्स देने हैं डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज से जिससे कि वो डीएसएम में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि ये सब आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है जहाँ पे डिजिटल रिकॉर्डिंग होनी है, स्मार्ट मीटर्स लगने हैं, तभी आप लोड पैटर्न्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्लिपिंग के बारे में बात कर सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं डिमांड रिस्पांस के करस्पॉन्डिंग, जैसे कि कुछ इस तरीके के प्रोग्राम हो जिसमें रेगुलेटर या यूटिलिटीज़ हो जो कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमर्स के साथ बनाएं जिसमें पार्टिसिपेशन हो, और अगर कस्टमर पीक आवर्स में उन लोड्स को रिड्यूस कर रहा है तो उसको कुछ इंसेंटिव्स मिले. इसी तरीके से प्राइस बेस्ड डिमांड रिस्पांस के का हो, शिफ्टेबल लोड्स के बारे में बात हो. तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हो और डीएसएम में इन्वेस्टमेंट मिले और इंसेंटिव्स मिले, प्राइसिंग पॉलिसी हो. तो ये जो इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं इनको लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है. अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएसएम में, अब मैंने बताया कंज्यूमर को बहुत अवेयर होना चाहिए, कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके की मशीनरीज यूज़ करनी है, क्या बैटरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है, लोड मैनेजमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए, लोड शिफ्टिंग पैटर्न्स के बारे में मालूम होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, स्कोप ऑफ सोलर. सो इन द लास्ट वी विल बी टेकिंग अबाउट डीमेरिट्स एंड मेरिट्स विद रिस्पेक्ट टू डीएसएम. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग समझेंगे चार इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव से. फोर इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव्स जो है हमारे वो रिन्यूएबल सोर्स बेस्ड जनरेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, थर्ड वन इज़ पीकिंग पावर प्लांट्स, एंड फोर्थ वन इज़ रोलिंग ब्लैकआउट और लोड शेडिंग. ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को होल्ड ऑन करके इसको नोट कर सकते हो, बट मैं हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको. सबसे पहला अल्टरनेटिव है रिन्यूएबल सोर्स बेस्ड जनरेशन. मेरिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सस्टेनेबल गोल्स को अचीव कर सकता है डीएसएम स्ट्रेटजी में अगर इसको लाया जाए, और मेंटेनेंस कम होती है इसमें, फ्यूल अवेलेबल फॉर फ्री है, मिनिमल एडवर्स इफेक्ट है क्योंकि कार्बन इमिशन घटेगा, और बेनिफिट्स भी हैं डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन के. डीमेरिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोला जा रहा है कि जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सोर्सेस वो हमारी रिन्यूएबल से के करस्पॉन्डिंग कम होगी, रिलायबिलिटी का इशू आएगा, कैपिटल कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और टेक्नोलॉजी स्टिल अभी नेसेंट स्टेज पे है, मतलब बहुत अर्ली स्टेज पे है. कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट में कि करस्पॉन्डिंग में अगर डीएसएम के रिस्पेक्ट में मेरिट्स देखी जाए तो यहाँ बोला गया है कि इट प्रोवाइड्स कैपेसिटी टू जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट जस्ट अ सिंगल लोकेशन. ठीक है, बट अगर इसके डीमेरिट्स देखे जाए तो फ्यूल इंटेंसिव जनरेशन ऑफ पावर है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होगा जो कि एडवर्स इफेक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा. उसके बाद पीकिंग पावर प्लांट्स के बारे में है तो इसमें मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फास्ट स्टार्ट है, स्टॉप है, रीस्टार्ट है, परफेक्ट कंट्रोल लोड फ्लक्चुएशन है ड्यूरिंग पीक टाइम,
बट अगर इस चीज़ को देखा जाए इसका डीमेरिट क्या है, तो डीमेरिट एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल है, और लास्ट में अगर देखा जाए रोलिंग ब्लैकआउट और लोड शेडिंग, तो उसमें ये बोला गया है कि मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएसएम स्ट्रेटेजी में देखा जाए तो ईजीएस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, और जो भी अमाउंट ऑफ सरप्लस है हमारे पास पावर उससे इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, लोड का उसको मैनेज करना है। बट अगर देखा जाए डीमेरिट, तो बोला गया है कि अनरिलायबिलिटी इन पावर सप्लाई रहेगी, और ये जो टेक्निक है ये लॉन्ग टर्म टेक्निक लोड मैनेजमेंट की नहीं है। तो दिस इज़ बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ डीएसएम, एंड इफ़ यू सजेस्ट मी फ्यू मोर टॉपिक्स रिगार्डिंग डीएसएम काइंडली कमेंट, एंड इफ़ आई विल गेट टाइम आई विल मेक अ लेक्चर टू ऑन द डीएसएम स्ट्रेटजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, एंड जस्ट लेट मी नो इफ एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरीज। You can also contact me at classgoeducation@gmail.com. So thanks for watching. Have a good day.